Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. And always use the mask and the sanitizer also, okay? So, now I will start your the topic preposition. Okay, this topic I have already started. Okay, and some subtopic I have already explained also, like simple preposition, preposition compound and preposition complex. Okay, so those are I have already explained, and some of I will explain today. Okay, so स्टूडेंट आज मैं बताऊंगी आपको दैट व्हाट इज प्रीपोजिशन. यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा. प्रीपोजिशन को आपने स्टार्टिंग से ही क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे आपको कम्प्लीटली प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन होता क्या? प्रीपोजिशन नॉर्मली जो होता है वो किसी भी नॉर्मल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन को क्लासिफाइड किया है. इसके यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन कैसे हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं. जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस. ओके, तो यहाँ अगर इसको हटा दें तो यहाँ समझ सकते हैं कि प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड पर्पस, इसी के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है. इसी के लिए हम कॉज एंड पर्पस, ठीक है, इसी के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन का. जैसे प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पर्पस, या कॉज भी कह सकते हैं कि कॉज या कॉज एंड पर्पस के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे देखें प्लेस, प्लेस के लिए हमने प्रीपोजिशन का अगर यूज किया, जैसे हमें नियर, यहाँ पे एग्जांपल है नियर, ओवर, अंडर, एसेट्रा, ये जो होते हैं प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है. तो अगर हमें नियर का यूज किया तो वहाँ पे जैसे अगर हमें बताना है कि माय हाउस इज नियर द पॉन्ड, नियर दिस पॉन्ड, यानी मेरा हाउस कहाँ है, तो पॉन्ड के नजदीक है या पॉन्ड के पास है, ठीक है. तो वहाँ हमने नियर का यूज कर दिया तो वो प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है. तो उस सेंटेंस में नॉर्मली हमने प्रीपोजिशन यूज किया जोड़ने के लिए. एंड सेकेंड टाइम, टाइम के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. जैसे अगर आपको बताना है कि आई विल गो टू स्कूल एट 9 o'clock, ओके, तो वहाँ पे आपने क्या किया, टाइम को बताने के लिए एट का यूज किया. तो ऐसे एग्जाम्पल्स स्टील, आफ्टर, बिफोर, एक्सेट्रा आ जाते हैं जो सेंटेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है. एंड थर्ड होता है डायरेक्शन. डायरेक्शन जैसे डायरेक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं इनटू, थ्रू, इट, एट, ईटीसी, ठीक है. एट यहाँ पे डायरेक्शन में भी आ जाता है और टाइम में भी आ जाता है, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे डायरेक्शन में हम चलिए इनटू का यूज कर लेते हैं कि अगर हमें रिवर में बताना है, ठीक है, रिवर अधिकांशतः हम इनटू जो है रिवर के लिए यूज करते हैं, या फिर किसी भी चीज से जो अंदर अंदर जो चीजें होती है, जैसे अगर हम दो चीजों के बीच में हो, अंदर का भाग जो होता है वो इनटू यूज हो जाता है ऐसे. तो इनका यूज करते हैं हम मे के लिए, लेकिन इनटू का मतलब ये मे ही होता है, लेकिन वो अंदर के भाग के लिए. जैसे अगर हम रिवर में है और रिवर के अंदर है, ठीक है, रिवर रिवर के अंदर सपोज आप डुबकी लगा के नहा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप इनटू का यूज करोगे, ठीक है. आई एम इनटू द रिवर, ओके, तो वहां पे क्या है, इनटू का यूज करते हैं. हमने हम बता रहे हैं कि डायरेक्शन को बता रहे हैं कि हम कहाँ पे, किस जगह पे हैं, ठीक है, ठीक है, वो डायरेक्शन बता रहे हैं. तो वहां पे हमने प्रीपोजिशन का यूज कर दिया. तो लाइक इसी तरह थ्रू, एट, एक्सेट्रा हम यूज करते हैं, ठीक है. बाकी के एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है. प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस, ठीक है, और हम लास्ट में यूज करते हैं प्रीपोजिशन को कॉज एंड पर्पस के लिए, ठीक है. जैसे फ्रॉम, विद, फॉर, बाय, एटीसी, ठीक है. जैसे अगर हमें अगर कोई जैसे यहाँ पे हमारे पर्पस के पर्पस अगर हम बताएं तो यहाँ पे हम बता सकते हैं दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर यू, ठीक है. तो हमारा पर्पस क्या है कि गिफ्ट केवल तुम्हारे लिए है. तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज कर दिया, तो दिस इज द प्रीपोजिशन. ये कॉज एंड पर्पस दोनों बताता है, ठीक है. अगर वहां पे पूछा जाए कि दिस गिफ्ट इज व्हाट फॉर व्हाई, तो वहां पे हमने यूज कर दिया कि दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर यू, या दिस गिफ्ट इज ओनली फॉर माय फ्रेंड, ठीक है. तो वहां पे हमने यूज कर दिया, ठीक है. या फिर आई विल गो टू स्कूल विद माय फादर, ठीक है. तो हमने वहां विद का यूज कर दिया, दिस इज ऑल्सो प्रीपोजिशन. तो ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा, इसका क्लासिफिकेशन जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है स्टूडेंट. तो नाउ कम ऑन द बुक, बुक पे देखते हैं एक्सरसाइजेस, लेट्स गो.
ओके स्टूडेंट, तो आपको अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया, समझ में आ गया होगा, बट यहाँ पे भी मैं समझाती हूँ. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग इज. सम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर अबव, बिलो, अंडर, ओवर, बिसाइड, डाउन, नियर, इन फ्रंट ऑफ, अराउंड, ईटीसी. ठीक है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन. लाइक इन सेंटेंस, देर इज अ फेंस अराउंड द गार्डन. अराउंड मीन्स चारों तरफ. ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, प्लेस ही बता रहा है ना, कि अराउंड यानी चारों तरफ है. ठीक है, द पेंटिंग ऑन द रूफ ऑफ द चर्च आर ब्यूटिफुल. ठीक है, तो यहाँ ऑन द रूफ यानी किस पे है, पेंटिंग किस पे है, तो ऑन द रूफ ऑफ द चर्च यानी चर्च का पेंटिंग जो है रूफ पे है, आर ब्यूटिफुल, जो कि बहुत सुंदर है. ठीक है, हैव यू लुक अंडर द बेड, यानी आपने बेड के नीचे देखा, यानी नीचे के लिए कभी भी अंडर का यूज़ करते जाए, चाहे वो टेबल के नीचे हो, चाहे वो बेड के नीचे हो, चाहे वो सोफे के नीचे हो. ठीक है, कहीं भी किसी के भी नीचे जो होता है वो अंडर, अंडर मीन्स नीचे. ठीक है, तो हैव यू लुक अंडर, तो ये क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया. ये कहाँ पे प्लेस ये भी बता रहा है कि कहाँ पे. हैव यू लुक अंडर द बेड, तुमने बेड के नीचे देखा, यानी कहाँ देखा, तो बेड के नीचे देखा. ठीक है, तो ये भी प्लेस बता रहा है. ठीक है, एट, इन एंड ऑन आर यूज एज प्रीपोजिशन ऑफ बोथ प्लेस एंड टाइम. लेट स्टडी इज इन टर्न. ठीक है, यानी जो एट, इन एंड ऑन का यूज़ होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज़ होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज़ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी उसके एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं. जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस अ स्पेसिफिक पॉइंट और एरिया. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या करता है, वो स्पेसिफिक पॉइंट या एरिया को बताता है एट का यूज़. ठीक है, या पार्टिकुलर एड्रेस, एट मतलब एक पार्टिकुलर एड्रेस को बताता है. बिफोर द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, जो कि ये एट जो है किसी भी प्लेस के नाम को बताता है. ठीक है, प्लीज़ वेट एट द रिसेप्शन डेस्क. अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि प्लीज़ वेट एट द रिसेप्शन डेस्क, यानी ये एक फिक्स एरिया को बता रहा है कि कहाँ पे वेट करना है, तो रिसेप्शन डेस्क पे, यानी जहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठी है, वो डेस्क लगा है, वहीं पे आप वेट करिए. तो वो क्या हो गया, वो एक स्पेसिफिक एरिया आपको बता दिया गया कि वहीं पे आपको वेट करना है. ठीक है, तो वहाँ पे ऐड का यूज़ कर दिया. ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है कि ऐड का यूज़ कहाँ पे होगा, किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए. ठीक है, जो एकदम फिक्स एरिया हो, जैसे अगर हम कहते हैं ना कोई सेंटेंस में ऐड विलेज आता है, ऐड विलेज, तो वहाँ पे भी क्या है, वो एक स्पेसिफिक एरिया बना हुआ है. ठीक है, फिक्स एरिया है ऐड विलेज, तो इसलिए हम वहाँ ऐड का यूज़ कर देते हैं. ठीक है, अब जैसे एवरीबडी गैदर्ड एट 14 पार्क स्ट्रीट. ठीक है, अब यानी एवरीबडी कहाँ करते हैं, एंड इनक्लूज्ड स्पेस. ठीक है, इनका यूज़ जो होता है इनक्लूज्ड स्पेस भी करते हैं, जैसे या फिर अ लार्ज एरिया लाइक अ टाउन और सिटी और सरफेस. ठीक है, जो वहाँ पे एक बड़ा एरिया हो, ठीक है, उसके लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं ना कम इन, यानी अंदर आ जाओ, तो यानी वहाँ एक लार्ज एरिया है, एक रूम है, उसमें हम इन करते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब मे होता है, तो वहाँ पे इन का यूज़ कर दिया. अब देखो जैसे एग्जांपल, द ज्वेल्स आर कीप्ड इन अ बॉक्स, यानी ज्वेल्स कहाँ पे रखा है, तो एक बॉक्स में रखा है. तो बॉक्स में रखा है इट मीन्स वहाँ पे कुछ एरिया होगा, कुछ जगह होगी, काफ़ी जगह होगी, वहाँ पे ज्वेल्स को रखा गया है एक बॉक्स में. अगर बॉक्स में रखा है यानी बॉक्स में काफ़ी जगह होगी. वी वेटेड इन द रिसेप्शन हॉल फॉर 2 आवर्स. ठीक है, वी वेटेड इन द रिसेप्शन हॉल. अब रिसेप्शन हॉल होगा तो वो भी काफ़ी उसकी स्पेस ज़्यादा होगी, उसके लिए हमने इन का यूज़ कर दिया. ठीक है, स्पेस होगी वहाँ पे हॉल फॉर 2 आवर्स. ठीक है, वहाँ पे 2 आवर्स हम वी वेटेड, हमने वेट किया रिसेप्शन हॉल में कहाँ पे, 2 आवर्स. ठीक है, ठीक है. आई लिव इन केरला इन अ टाउन कॉल्ड अलापुझा. ठीक है, आई लिव इन केरला, अब कहाँ मैं रहता हूँ, तो केरला में, तो वहाँ पे भी एक स्पेस होगा, उस टाउन का मतलब काफ़ी बड़ी टाउन होगी, तो वहाँ के लिए हमने इन, यानी इन क्या है, यहाँ लार्ज स्पेस के लिए हम इन का यूज़ करते हैं और ऐड का यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक स्पेस के लिए, यानी जो एक लिमिटेड एरिया हो वहाँ पर हम ऐड का यूज़ कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, तो द सोप इज एन
द सूप इज ऑन द टेबल, ठीक है। आप ऑन का यूज कर कहाँ करते हैं, अ सरफेस या फिर बिफोर द नेम ऑफ रोड्स एट ऑन बिफोर द नेम ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। यानी किसी रोड या स्ट्रीट के पहले ऑन का यूज कर देते हैं या फिर एक सरफेस एरिया के लिए ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉम अ शॉप ऑन द रिंग रोड, यानी दिस इज फ्रॉम अ शॉप ऑन द रिंग रोड। अब रोड के पहले ऑन का यूज हो गया, तो दिस इज ऑल्सो प्रीपोजिशन, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल्स अस द समथिंग प्रीपोजिशन टाइम आर ऑन इन एट टिल ड्यूरिंग आफ्टर बिफोर आफ्टर सिंस फॉर एसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे मीट मी आफ्टर 4 o'clock। ड्यूरिंग समर इट बिकम्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड इन द प्लेन। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ठीक है। तो यहाँ हमने फोर का यूज किया ना, यूज कर दिया, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं कितने वर्षों के लिए, तो सिर्फ 5 years के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का यूज हुआ है, कितने टाइम तक हमको रहना है यहाँ पे, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के जो एग्जांपल्स है यू कैन सी, जैसे एट, इसमें जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है मैंने बताया था ना, एट जो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस दोनों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, यानी जो स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम विद नेम ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। यानी किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है ना, जैसे 10 o'clock, 8 o'clock, ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, तो वहाँ पे एट का यूज करते हैं, ठीक है। या विद नेम ऑफ फेस्टिवल्स, यानी किसी फेस्टिवल के नेम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे, वी हैव एन असेंबली एट AM, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 o'clock कहो या AM कहो, बात वही हुई, ठीक है, यानी 8 बजे। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक, यहाँ पे ये पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट टाइम है, तो यहाँ पे इसे एट का यूज हो गया है। ऐसे ही व्हाट डिड यू डिस्कस एट द मीटिंग, यानी मीटिंग में तुमने क्या डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी ऐड का यूज हो गया। विल यू विजिट अस एट दीपावली, यानी दीपावली एक फेस्टिवल का नाम हो गया, उसके पहले भी हमने ऐड का यूज कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे है, वी स्टूड एट द बस स्टॉप, यानी हम कहाँ खड़े थे, हम कहाँ खड़े हैं, तो यानी हम इन अ पीरियड ऑफ टाइम मिनट्स आवर्स, यानी इनका भी यूज़ मैंने बताया था ना कि, या इनका यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे तो अ पीरियड ऑफ टाइम मिनट्स आवर्स, यानी जो एक जो होता है लिमिटेड मिनट एंड आवर जो होगा उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ डे, सीजन, मंथ, ईयर, ठीक है, जैसे होता है ना इन मे मंथ, इन जून मंथ, ठीक है, या इन दिस ईयर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं समझ में आ जाएगा। द काउंटर विल अराइव इन 2 hours, यानी सॉरी द कोरियर विल अराइव इन 2 hours, ठीक है। तो कोरियर कितने देर में आएगा, तो 2 hours में, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम जो है एक फिक्स है कि 2 hours, तो इसलिए यहाँ पे हमने इनका यूज़ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ें याद हो जाएंगी ना आपको, तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा, हर सेंटेंस में आप आराम से जो है प्रीपोजिशन आप फील कर सकते हो कि कहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ होगा, कहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ होगा, ठीक है। अब जैसे ऑन का यूज़ अब अ पार्टिकुलर डे, ठीक है। अब ऑन का यूज़ हम एक अ पार्टिकुलर डे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ऑन क्रिसमस डे एवरीबडी गेट गिफ्ट, ठीक है, ऑन क्रिसमस डे एवरीबडी गेट्स गिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर डे हो गया ना, क्रिसमस डे एक पार्टिकुलर डे है, एक वो तो मतलब हर डे को तो हम क्रिसमस डे नहीं कह सकते, क्रिसमस डे एक स्पेशल ही होता है जो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, तो वो एक पार्टिकुलर डे हो गया, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन में आप पढ़ते हो ना कि पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है, इन द सेम वे एक पार्टिकुलर डे जो होता है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो आपको यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा, और इसी के बेस पे आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो कि
आई हैव ऑलरेडी डन. ओके, तो यहाँ पे आप पॉज करके और अपना बुक फिल कर सकते हो. ठीक है, और आई होप कि आपको प्रीपोजिशन यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए इतना, आपको समझ में आ गया होगा, इसके बेस पे आपको सारे एक्सरसाइज करने हैं. ठीक है.